पीड़ा हो रही है? कहा था मैंने विश्राम करो, किंतु मेरी बात तो सुनी है नहीं। अभी आके नृत्य करना है इस समय पर, क्या आवश्यकता है? कल से प्रारंभ कर सकती थी। मैं कल तक विश्राम नहीं कर सकती, क्योंकि आज तक जीवन में मैंने यही चाहा है कि जब भी मैं नृत्य सीखूंगी और उसके पश्चात जब भी मैं राजकुमारी पद्मावती से मिलूंगी तो अपना नृत्य उन्हें ही समर्पण कर दूंगी। किंतु आज मैं उनसे भी श्रेष्ठ नृत्य सीखना चाहती हूँ, ताकि मैं वो प्रतियोगिता जीत सकूं। तुम मेरा साथ दोगे ना? मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। आरंभ करें। सुनो, तुमने राजकुमारी पद्मावती को वचन दिया था ना, यदि वो विजयी हुई तो वो जो भी मांगेगी तुम उन्हें दोगे। किंतु यदि मैं विजयी हुई तो मुझे क्या मिलेगा? मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि यदि तुम विजयी हुई तो तुम भी जो मांगोगी तुम्हें वो मिलेगा। धन्यवाद, ये सुनकर तो मेरी सारी पीड़ा समाप्त हो गई। अब आज के पश्चात मेरा एक ही उद्देश्य रहेगा कि राजकुमारी पद्मावती से श्रेष्ठ नृत्य करना और उस नृत्य प्रतियोगिता में विजयी होना। भार्गवी और राजकुमारी पद्मावती दोनों का हृदय शुद्ध है, बस भाग्य ने ऐसा खेल खेला है कि दोनों एक दूसरे के विरुद्ध खड़े हुए हैं। किंतु मुझे पूर्ण विश्वास है कि प्रेम की ये धारा सारा मैल बहाती है। वो प्रेम जो तुम्हारे मन के भीतर जाग रहा है भार्गवी, मेरा उद्देश्य पूर्ण होने जा रहा है। श्रीनिवास को उसकी श्री अब शीघ्र ही मिलने वाली है। पूजा की सामग्री बनाइए। तो जी अभी बनाता हूं मैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि श्रीनिवास ने भार्गवी से बात कर उसका भ्रम नष्ट कर दिया होगा। बस शीघ्र ही श्रीनिवास और भार्गवी एक हो जाएं और मेरा श्रीनिवास सदैव प्रसन्न रहे। इसे पी लो, इससे घाव शीघ्र ही भर जाएंगे तुम्हारे। ठीक है, अब तुम विश्राम करो, मैं चलता हूं। श्रीनिवास, धन्यवाद मुझ पर विश्वास रखने के लिए कि मैं इस राज्य की श्रेष्ठ नर्तिका बनने के लिए सक्षम हूं। सत्य कहूं तो मुझे नहीं लगा था कि मैं ऐसा कर भी पाऊंगी, किंतु तुम्हारे विश्वास ने मुझ में एक अलग ही उत्साह जगा दिया है। विश्वास रखना कि मैं तुम्हारे विश्वास को टूटने नहीं दूंगी और एक श्रेष्ठ नर्तिका बन के भी दिखाऊंगी। मुझे भी उसके दिन की प्रतीक्षा है भार्गवी।
सामग्री तैयार हो गया है जी। कितने हुए? 5 तांबे के सिक्के। वैसे श्रीनिवास आपके मित्र हैं ना? जी सही सुना है। हमने सुना है कि वो राजकुमारी पद्मावती को नृत्य सिखाता है, क्या ये सत्य है? सत्य ही सुना है आपने। राजकुमारी पद्मावती स्वयं सुंदर नर्तकी है और आपके मित्र उन्हें नृत्य सिखाते हैं, यानी आपके मित्र उनसे भी श्रेष्ठ नर्तक है। श्रेष्ठ नहीं, सर्वश्रेष्ठ नर्तक है। इस राज्य में क्या, आसपास के अनेकों राज्य में ऐसा नर्तक नहीं मिलेगा आपको। अरे कभी कोई प्रतियोगिता हो तभी तो संसार को पता चले कि कितना श्रेष्ठ नर्तक है मेरा मित्र। मुझे तो बहुत गर्व है अपने घनिष्ठ मित्र। मित्र क्या, मेरे छोटे भाई जैसा है। ये लीजिए। बहुत भाग्यशाली हैं आप कि ऐसा छोटा भाई पाया है आपने। भाग्यशाली तो मैं हूँ और प्रत्येक वो व्यक्ति भी है जो जो मेरे श्रीनिवास के सानिध्य में रहता है। जिस दिन तुमने मेरी कलाई पर ये धागा बांधा था श्रीनिवास, उसी दिन मैंने निश्चित कर लिया था कि मैं इस बंधन को विवाह के बंधन तक ले जाऊंगी। अब तक हमारे मध्य केवल केवल मित्रता का संबंध था, किंतु शीघ्र ही इस संबंध को एक नया नाम मिल जाएगा। प्रतीत होता है कुछ बहुत बड़ी घोषणा होने वाली है। सुनो सुनो सुनो, वेंकटगिरी के समस्त वासियों के लिए महाराज आकाश ने अत्यंत शुभ एवं महत्वपूर्ण समाचार भेजा है। शीघ्र ही वेंकटगिरी में राजकुमारी पद्मावती का स्वयंवर आयोजित होगा, जिसमें आप सभी सादर आमंत्रित हैं। राजकुमारी पद्मावती का स्वयंवर, ये तो अत्यंत ही शुभ समाचार है। राजकुमारी के स्वयंवर में चुनौती क्या होने वाली? चुनौती होगी नृत्य, अर्थात सर्वश्रेष्ठ नृतक, उसी से राजकुमारी पद्मावती का विवाह होगा। ऐसा स्वयंवर आज तक आयोजित नहीं हुआ, इसीलिए महाराज आकाश ने अपनी प्रिय प्रजा से निवेदन किया है कि उनकी प्रजा उनकी पुत्री के लिए प्रार्थना करे, जिससे राजकुमारी को सर्वश्रेष्ठ वर की प्राप्ति हो। विचित्र चुनौती है, स्वयंवर के लिए ऐसी चुनौती मैं पहली बार सुन रहा हूँ। वही तो, राजकुमारी हैं, उनका होने वाला वर योद्धा ही होना चाहिए। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि भाग कौन लेगा, तीरंदाजी या धनुर्विद्या जैसी कोई चुनौती होती तो कोई राजकुमार आते, पर नृत्य की चुनौती लेने वाले कितने लड़के होंगे? तुम्हारे नृत्य ने मुझे बहुत प्रेरणा दी है श्रीनिवास, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे नृत्य करना सिखाओ। गोविंद राज, बड़ा अच्छा अवसर है, श्रीनिवास को बोलो कि स्वयंवर में भाग ले, क्योंकि राजकुमारी स्वयं उनसे नृत्य सीखती हैं। श्रीनिवास तो अच्छा नृतक है, हो सकता है कि वो इस स्वयंवर में विजय प्राप्त कर ले और राजकुमारी का पति होगा और तुम्हारे 5 उंगली घी में होंगे। स्वयंवर में नृत्य की चुनौती रखने का विचार राजा आकाश का तो हो ही नहीं सकता, ये अवश्य पद्मावती की योजना है। मुझे तुरंत श्रीनिवास से बात करनी होगी।